अस्थायी है, हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हम अपने कर्तव्य को भुला देते हैं, सही काम नहीं करते, गलत काम कर जाते हैं। वो शिक्षक क्या करते थे, अपना धोती पहनते थे, पान खाते थे और गमछाया रखते थे, गंजी पहने हुए रहते थे। वो सवेरे सवेरे घूम करके हर घर में, क्योंकि बच्चे ही भविष्य थे, हर घर में उसके माता पिता को पूछ करके, बच्चों को पूछ करके जाते थे और सबका नाम उस गांव में जो 100-200 घर है, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उन सबों का कंठस्थ पूछते थे पढ़ रहा है कि नहीं। तो डरना नहीं बल्कि जो उनका भय है, जो विवेक है, विवेक में जो भय है, उससे गार्जियन भी कहते थे जल्दी जल्दी आओ, देवेंद्र जी आ रहे हैं, जल्दी पढ़ने बैठो। वो जो है वो किताब लेकर के शुरू करता ताकि वो मास्टर साहब पता चले जहाँ पढ़ने बैठा है। उसके पिता को, पिताजी को पूछते थे और उसके बाद आगे बढ़े और कह के रखते थे अगर किसी को कोई मैथ में प्रॉब्लम है, साहित्य में प्रॉब्लम है, इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो तुरंत जो है लड़का निकल जाता था, सर इसको थोड़ा समझा दीजिए, बोल दिए, फिर जो आगे बढ़े। वो ड्यूटी उनका सवेरे 6 बजे से 8 बजे तक करते थे, सवेरे का हुआ और शाम को भी उसी तरह से वो ड्यूटी चला। और उस गांव में अभी राजनगर के किनारे देखिएगा जगह है, गांव है, ऊंचा नाम है, वहाँ एक को उन्होंने भिक्षा मांग करके हाई स्कूल बना दिया और वो अभी चले गए। तो उनकी नाम और ख्याति को कोई भुला नहीं पाता, क्योंकि सब घर में बच्चे सबों को पढ़ना है, राजा वंश के, लेकिन सबको पढ़ने का महत्व जो जब उनके सामने आया, उन्होंने समझा कि पढ़ने से ही मेरा गांव का कल्याण होगा, मेरे लोगों का कल्याण होगा, तो सब पढ़ें। और शायद हमारे मोदी साहब कहते हैं कि सब पढ़े, सब पढ़े, है ना, तो सबको पढ़ना होगा, सबको पढ़ना होगा, ठीक है। तो शिक्षक का प्रासंगिकता आज भी है, कल भी है। और अगर आप भी ऐसे ही थोड़ा बहुत परिकल्पना करें कि आपके बगल में जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं कि नहीं, एकदम आज का जो ज़माना है कुछ कुछ तो कभी कहीं विरोध हो जाता है, तो बड़ी संयमता से इसमें भवेश जी ने भी बहुत कहा धैर्य होना चाहिए आपको, बड़ी धैर्य को उसे समझा करके उसको पढ़ने के लिए आप जो है उत्साहित करें, वो आगे बढ़े, तो देखिएगा कि आप भी जीवन में कुछ कर लिए आपको संतोष मिले, ठीक है। मेरे सामने आज जो विद्यार्थियों ने बातों को रखा, पांडे जी एक बहुत बड़ी बात कहें, उसको आप ध्यान में रखिएगा, अगले बार रखिएगा, क्योंकि हम लोग अभी जो है अपनी एक विषय, छोटी सी विषय है, उसको जो है बहुत बड़ी विषय हम लोग बना चुके हैं। उसी प्रकार अगले 10-15 दिनों में हमको जो है वीरेंद्र सर भी, सोमनाथ सर भी कहे हैं कि सर जल्दी एक सेमिनार कराइए, तो हम लोग अगले बार MA CBCS Part 1 का एक सेमिनार जो है बहुत जल्दी हम लोग करने जा रहे हैं, और 3 दिन तो होगा ही, उस समय विषय वस्तु पर ही होगा जो आपके सिलेबस में है, उस समय सब कोई अपनी किताब को भी रखेंगे, केवल जो है रखेंगे ही नहीं, आप जिन नई विषयों को सुने, जिन नई बातों को सुने उसको नोट डाउन करेंगे, जिसमें संकोच होगा हाथ उठाएंगे और उनसे प्रश्नोत्तर करेंगे, पूछेंगे कि सर इसके बारे में जानते हैं, समझा दीजिए। अगर जिन्होंने कहा, जिस विद्यार्थी ने कहा होगा, अगर वो नहीं समझा सकता होगा, तो ये प्रयास किया जाएगा कि हम शिक्षक लोग जो है वो जो समस्या उसको समझा दें, ताकि उस प्रकार की समस्या समझने से सभी अवगत हो जाए, सबों को उसका ज्ञान प्राप्त हो। मैं इसीलिए क्लास में हमेशा करता हूँ, कोई 1-2 प्रश्न पूछे, अगर 1-2 प्रश्न पूछते हैं तो 100 विद्यार्थी जो बैठे हुए हैं सबों को लाभ प्राप्त होगा। आज सोचिए कि ये जो 12 विद्यार्थी यहाँ पर अपनी बातों को रखते हैं, क्या इतनी बातों को आप किताब पढ़ करके पा सकते थे? नहीं पा सकते। आप ही के विद्यार्थी आपको ज्ञान दें, आप ही के शिक्षक आपको ज्ञान दें, और ये ज्ञान कभी भुला नहीं सकते। ये सब बातें जो सुन रहे हैं, ये सब बातें भूलना मुश्किल होता है, यही सब बात याद रखते हैं। इसीलिए आप सभी जो है, ऐसा नहीं कल जैसे यहाँ पर जगह नहीं थी, आज सेमिनार करेंगे, बातचीत करेंगे, हम लोग संगोष्ठी आयोजित करेंगे, बोलने से सब विद्यार्थी जो है नहीं आए, जो नहीं आए वो अच्छा नहीं किए, अपने लिए ही बुरा था। इसीलिए अगले बार ऐसा अगर संगोष्ठी हो तो जो नहीं आए हैं वो भी आए, ऐसा प्रयास होना चाहिए, और रेगुलर क्लास करें इसका प्रयास होना चाहिए। मैं और इसको ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, 10 मिनट हम लोग भी फुर्सत में रहेंगे, थोड़ा रेस्ट लेंगे, उसके बाद
हम लोग प्रयास करते हैं कि आप लोगों का एक दो क्लास हो, इसका प्रयास करें। और आज की संतुष्टि के लिए मैं अपने जो टीम है, सोमनाथ जी का, गिरेन जी का, पांडे जी का, भवेश जी का, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे सामने जो विद्यार्थी राहुल आया, अभी आप अनुभाग आप सुने नहीं थे, अनुभाग सबसे पहले प्रारंभ की थी वक्तव्य देना आज, और इतनी अच्छी बातें वो कही थी, इतनी अच्छी बातें कही थी, उससे आप वंचित हो गए हैं, उसे भी कभी आपको सुनने को मौका मिला है। ठीक है, इस मामले को शेयर करिए, कौन कितना इंटेलिजेंट है, कौन किसे सहयोग कर सकता है, कौन किसके पीछे भाग सकता है ना। पीछे भागने का अर्थ है कि हम उसे ज्ञान लें, हम उसकी तरह बने, उसकी तरह सीखे, उसकी तरह जाने। ठीक है, ये प्रयास जो है हमारा निरंतर बढ़ता रहेगा। ठीक है,